फ्रेंड, आज के इस वीडियो में जाने अगर आपके मोबाइल फोन कहीं चोरी हो गया, गुम हो गया, मिसिंग हो गया, मिल नहीं रहा है, लेकिन आपके फोन पर रिंग हो रहा है, फोन ऑन है, अगर आपका फोन को ऑफ भी कर दिया गया तो आप अपने फोन के लास्ट लोकेशन लास्ट है वो कहाँ ऑन हुआ था। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे किस पर अपने फोन को ट्रैक कर सकते हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली, वीडियो को बिना एक पल स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। तो आप अपने गुम हुआ चोरी हुआ फोन को ट्रैक करने के लिए मुख्य तीन चीज आपके फोन में होनी जरूरी है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तभी आप ट्रैक कर सको। पहला चीज, आपके फोन की इंटरनेट एक्टिव होनी चाहिए, चालू होनी चाहिए, चाहे वो वाईफाई से हो या मोबाइल इंटरनेट से। दूसरी, आपके मोबाइल में लोकेशन जो बहुत लोगों के मोबाइल जीपीएस बोल के होता है, ऊपर स्लाइड करके खींचने में दिखता है, उसे ऑन रखनी चाहिए। बहुत लोग इसे ऑफ इसलिए रखते हैं, उसे लगता है मोबाइल बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत थोड़ा सा बैटरी कंज्यूम होता है, लेकिन आपकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज ऑन रखना, मोबाइल डेटा और जीपीएस। और तीसरी चीज, आपको अपने मोबाइल में लॉग इन जीमेल अकाउंट, ईमेल अकाउंट या फिर गूगल अकाउंट बोलते हैं, वो लॉग इन होनी चाहिए और उसकी आईडी और पासवर्ड आपको मालूम होना चाहिए। इवेंटली आपका मोबाइल ऑफ भी हो गया तो भी चल जाएगा जीपीएस, लेकिन ऑन होने चाहिए लास्ट लोकेशन आप पता कर सकते हो। तो चलिए क्या कर, चलिए हम समझते फटाक से। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गूगल क्रोम किसी मोबाइल के, वो मोबाइल के अलावा खोलनी है, वहां पर डाउनलोड करना है फाइंड माई डिवाइस सर्च करके एक एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन गूगल फाइंड माई डिवाइस, ये इस ट्रैप का आपको आइकन मिल जाएगा, गूगल LLC लिखा हुआ, इसे इंस्टॉल। मात्र 4 MB की एप्लीकेशन से आप डाउनलोड इंस्टॉल यहाँ पे आप कर लेंगे। इंस्टॉल होने के बाद आप इसे जैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको सामने इस प्रकार से एक ईमेल आईडी शो करेगी जो आपके मोबाइल लॉग इन, अगर आप जिस मोबाइल में कर रहे हैं वो मोबाइल में, और आपका जो मोबाइल गुम हुआ, चोरी हुआ, खो गया है उसमें सेम ईमेल आईडी है, तो आप अपना ईमेल आईडी सिलेक्ट करेंगे, ईमेल आईडी चूज करेंगे। अगर आप मान लो कि वो ईमेल आईडी आपके मोबाइल लॉग इन नहीं है, तो साइन इन इन गेस्ट करके एक ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको आप जो ईमेल आईडी जिस मोबाइल में जो चोरी हुआ, गुम हो गया, खो गया, मिसिंग है, उसका ईमेल आईडी जो आपको उसमें डाला हुआ सही सही, आप उसे यहाँ पे दर्ज करेंगे। हमें जो अपने मोबाइल को ट्रैक कर रहा है उसका मैंने ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दिया, करते हैं नेक्स्ट। अब आपको इस ईमेल आईडी का पासवर्ड सही सही दर्ज करनी है। बहुत लोग क्या करते हैं, ईमेल आईडी का पासवर्ड तो बना लेता है, लेकिन पासवर्ड मालूम ही नहीं रहता ईमेल आईडी पासवर्ड क्या है। तो अगर आपका मोबाइल फोन है और आपको भी आपकी ईमेल आईडी का पासवर्ड मालूम है, जरूर अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड रिसेट करें, अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, याद वाला पासवर्ड रख लो, और ईमेल आईडी पासवर्ड नोट करके रख, ताकि कभी भी आपके साथ कभी ऐसी इशू आए तो आप इस चीज का हेल्प लेकर अपने फोन को ट्रैक कर सको, फोन को वापस से आप पा सको। हमने अपना पासवर्ड दर्ज किया, पहले यहाँ पे पासवर्ड डालने का OTP या फिर फोन पे पॉप नोटिफिकेशन आते थे, लेकिन हमारा फोन तो चोरी हो गया है, तो यहाँ पे गूगल इस चीज को इम्प्रूव किया है, बिना OTP आपका यहाँ पे ये लॉग इन हो जाएगा। तो मैंने नेक्स्ट किया, हमारा यहाँ पे डायरेक्टली लॉग इन हो गया है। यहाँ पे मेरा 3 फोन इसी में आईडी जुड़ा हुआ है, तीनों फोन, मेरा पहला फोन J7 न्यू है जो यहाँ सर्च करके दिखा दिया, यहाँ पर मेरा दिख रहा है मेरे शॉप से कुछ ही दूर पर, दूसरा फोन जो यहाँ पे मेरे शॉप पर ही है यहाँ पे रखा हुआ, तो यहाँ पेटीएम KYC पॉइंट पे जो मेरा ये वाली फोन है यहाँ सामने दिख रही है ये है, और इसके अलावा एक और फोन जो मेरे पेरेंट के वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तीनों फोन यहाँ पे शो हो रहा है। इवेंटली आपको अगर फोन आपके घर के आसपास कहीं खो गया तो भी आप पता कर सकते हो। यहाँ पे कुछ बेसिक से ऑप्शन मिलेंगे आपको, पहला चीज प्ले साउंड करने का, अगर मैं इस पे क्लिक करूं मेरा फोन इवन साइलेंट मोड में भी है, तो उसका वॉल्यूम 100% पे ये बजना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपके फोन मान लो कि किसी ने इस्तेमाल कर रहा है, ये मेरा फोन अनलॉक है और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सिक्योर डिवाइस की, मैंने मैसेज कुछ भी टाइप कर दिया, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर शो कर दिया, अगर आपको कोई जानने वाला आपको कॉल कर लेगा यहाँ पे कुछ भी, और मैं सिक्योर डिवाइस क्लिक करता हूँ, सामने मेरा मोबाइल फोन लॉक हो गया, लॉक होने का डिस्प्ले कुछ इस प्रकार से दिखा रहा है, मैंने जो मैसेज टाइप किया इसके ऊपर वो मैसेज यहाँ पे शो हो रहा है, जो मैंने अभी जस्ट अपने मोबाइल में टाइप किया लॉक बाय फाइंड माई डिवाइस दिख रहा है। तीसरी चीज, अपने मोबाइल को आप फॉर्मेट कर सकते हो, यहाँ पे इरेज डिवाइस को ऑप्शन क्लिक करो, लेकिन इसके लिए आपको आपके मोबाइल के परमिशन OTP रिक्वायर होगी, जिसे करने आपका मोबाइल कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उनके फोटो ऑडियो वीडियो सब चीज हट जाएंगे, पूरा मोबाइल फॉर्मेट हो जाएगा। लास्ट वाला ऑप्शन कभी यूज ना करें, आप पहला दूसरा ऑप्शन का अपने फोन को ट्रैक कर सकते हो, पहले में आपका लोकेशन यहाँ पे डायरेक्टली दिख जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने चोरी हुए गुम हुए फोन को ट्रैक कर सकते हो, जहां से इवन आपकी फोन ऑफलाइन भी है तो लास्ट ऑनलाइन कहां हुआ था वो भी इसी एप्लीकेशन के तहत आप चेक कर सकते हो। तो ये प्रोसेस किस प्रकार से आप गुम हुआ खोया हुआ मोबाइल को अपना ट्रैक कर सकते हो और उसे उस लोकेशन जाके आप मोबाइल को फाइंड कर सकते हो और अपने मोबाइल को पा सकते हैं। आई होप ये वीडियो जरूर आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा तो लाइक करें, वीडियो पर कोई सुझाव कोई राय आपकी प्रॉब्लम पर्सन कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंड फ्रेंड रिलेटेड के साथ जरूर शेयर, उनके साथ जिनके मोबाइल खो गया और ढूंढने के लिए वो बेचैन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।